हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्सैक भर्ती परीक्षा 2018 की, जिसका पेपर आज ही हुआ था, और अपन जो जीके के सवाल हैं उनके आंसर देखेंगे, या देखेंगे कि कौन कौन से या किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सेकेंड ग्रेड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उनको पता चल जाए कि भाई अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं हाल ही में, तो उनमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आ रहे हैं। अगर इनमें से दो ही क्वेश्चन आते हैं तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी से संबंधित और राजस्थान में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना होगा, और उसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मेरा जो नाम है वो आप सर्च करें, सर्च करने के बाद में जो मेरे द्वारा बनाए गए जो कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो आप फॉलो ज़रूर करें और रेटिंग्स भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अपने जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है। तो दोस्तों, मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो आपके कुड़की। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी आपके क्वेश्चन नंबर 52 में सी, 1951 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है 10/10/2018 के दिन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। दोस्तों, करंट का सवाल है, इसलिए आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है। जो नागौर और अजमेर जिले हैं वो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, तेरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। तो वो होता है कामड़ जाति से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो जो तन्नोट माता होता है, तन्नोट माता है उनको कहा जाता है, ये फौजियों की देवी भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है। तो ये है आपके मेवाड़ चित्र शैली से। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 है निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये आपके जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक होने के संबंध में, अभी इस पर बवाल चल रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 12 अप्रैल 2018 को खुले में शौच मुक्त हो गया था। तो ये हुआ था माउंट आबू, और आप मुझे बताना कि माउंट आबू ही इसका राइट आंसर है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट विलेज घोषणा की कौन से बजट में की गई थी। तो ये की गई थी 2017-18 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 163। अगला है, लोकायुक्त संस्था क्या है। तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला था, आप मुझे इसका आंसर है वो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, अमरसाई किसका नाम है। तो दोस्तों, जो पगड़ी होती है उसका नाम अमरसाई होता है, एक अमरसाई नाम की पगड़ी है वो होती है। अगला क्वेश्चन है, राही सरनोबत किस से संबंधित है। तो ये आपके निशानेबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियन खेलों में भारतीय दल ने मिक्स 4x400 मीटर रिले दौड़ में कौन सा पदक जीता था। तो उन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। अगला है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला दोस्तों, 2018 एशियन गेम्स में हेप्टाथनल इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो आप मुझे बताइए कौन है। और अगला है, भारत का खेल मंत्री कौन है। तो ये है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और किस प्रसूति शास्त्री को 2018 के नोबल शांति पुरस्कार का विजेता घोषित किया। तो ये है डेनिस मुकवेजे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कंप्यूटर के आगे अपन वापस जीके के क्वेश्चनों पर चलते हैं जो आगे से वापस स्टार्ट है। तो ये रहे आपके वापस जीके के क्वेश्चन। तो ये है कि उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों, ये आपके सिरोही के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है। तो ये होता है डेगाना की में। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है दक्षिण के भाग से। अगला क्वेश्चन है, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये है आपके जोधपुर के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों, मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई। तो ये दी गई थी घग्गर नदी को। और मूणोत्तनेण से किस राज्य का दीवान था। तो ये था आपके जोधपुर का। अगला है, तुंगा तुंगा का जो युद्ध है दोस्तों वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो तुंगा का जो दोस्तों युद्ध है वो लड़ा गया था 1787 के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। तो ये है जैसलमेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरे ताली नृत्य में काम नहीं आता। तो दोस्तों, ये साहित्य
आपके मुझे इसका मिला नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, शायद डेरू होगा इसमें आंसर, फिर भी आप देख लेना। लुली पोटली को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया, तो ये लाया गया था महाराजा राम सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति संबंधित नृत्य है, तो यह है वालर, और निम्न में से कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में अवस्थित है, तो यह है आपके ताल छापर। अगला क्वेश्चन है कि जो राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या की सीमा क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 5 लाख से अधिक, और कौन राज तरंगिणी का लेखक है, तो ये है आपके कल्याण। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ज़रूर है इनको देख लें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ये और लोगों के भी काम में आ सके। धन्यवाद। और इस पेपर की जो PDF है वो मैं आपको डाल दूंगा कमेंट के अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर।